रुद्रप्रयाग के 24 गांव के सैकड़ों परिवार मौत के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि छांती खाल, पांजड़ा और रैल गांव के लोग 4 दशकों से विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं और आज भी आस लगाए बैठे हैं कि सरकार इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएगी। इसके साथ ही 21 गांव ऐसे हैं जो कि विस्थापन की जद में हैं और सरकार को इनकी रिपोर्टें भी भेजी जा चुकी हैं, लेकिन सरकार हर बार सर्वे करवाने और मामला संज्ञान में होने का ही रटा रटाया जवाब देने पर लगी है। अभी तक तो सरकार ने हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शेष परिवारों का तो विस्थापन हुआ था। हम पौड़ी और रुद्रप्रयाग जा करके थक चुके हैं। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय अपने विधायक साहब से की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा जो विस्थापन का प्रकरण शासन लेवल पर जो लंबित पड़ा है उसको यथाशीघ्र निवारण करवाने की कृपा करेंगे। इसमें देखिए, अगर हम जनपद रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो हमारे जनपद से लगभग 24 गांव का प्रस्ताव शासन को गया है जिनमें कि विस्थापन होना है। तो कुछ गांव ऐसे हैं जो हमने प्राथमिकता के तौर पर रखे हैं और कुछ गांव ऐसे हैं जो दूसरी प्राथमिकता में रखे हैं। तो इस प्रकार से शासन से भी हमें पत्र प्राप्त हुआ था कि किन किन गाँवों को मोस्ट प्रायोरिटी पर करना है। तो इस संबंध में हमने शासन को अपना रिकमेंडेशन भेजा है और जो परिवार अगर अत्यधिक खतरे के उसमें है तो हम उसका एक बार पुनः सर्वेक्षण करवा लेंगे, क्योंकि सिरोबगढ़ जो हमारा जोन है वो लैंडस्लाइड प्रोन जोन है। वहीं जिला अधिकारी की माने तो उन्होंने पूर्व में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और अब फिर से सर्वे कराकर रिपोर्ट भेजी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।